हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंगफली को सेकने का एक आसान सा तरीका, जिससे वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में और बिना हाथ चलाए और उस पर ध्यान दिए। तो आइए देखते हैं ये आसान सा तरीका क्या है। पर इससे पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और देख लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे, या फिर आप केक टिन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस ट्रे में मूंगफली को स्प्रेड कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि इन्हें स्टैक नहीं करना है, बस एक सिंगल लेयर में इन्हें स्प्रेड कर लेना है। अगर ये पाइल अप हो जाएंगे तो अच्छी तरह रोस्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर मैंने अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। तो अब हम इस ट्रे को अवन में डाल देंगे और इसे 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आइए, अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम हमारी मूंगफली की ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मूंगफली बहुत ही गर्म है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आप मूंगफली देख रहे हैं, इसमें से ऑयल बाहर आ गई है। तो ये हमारे जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ मूंगफली के छिलके भी निकल आए हैं। अब हमारी मूंगफली अच्छी तरह ठंडी हो गई है, तो मैं इसे थोड़ा सा क्रश करके इसके छिलके निकाल के आपको दिखा दूं, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो आगे से आप भी इसी तरह मूंगफली को सेक लें और अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक लाइक और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर जताइए। इस रेसिपी के साथ मेरी बाकी की रेसिपीज भी आप ज़रूर ट्राई करते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। खाते रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए।